नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, मैं हूं गौरव सावंत। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हरम से करके वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, यानी हर शब्द नाप तोल कर बोलते और लिखते हैं। तो अयोध्या पर किताब में हिंदुत्व की तुलना आइसिस और बोको हराम से करना क्या सही था, क्यों किया, इसी पर आज का हल्ला बोल। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सियासी फिजाओं में हिंदू धर्म के ध्वजवाहकों की कतार लंबी लग गई है। धर्म निरपेक्षता की राजनीति के लंबरदार कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के चोले में दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के कुछ धुरंधर ऐसे हैं जो पार्टी के अरमानों में आग लगा रहे हैं। मंच पर ये कांग्रेस की त्रिमूर्ति बैठी है। मौका सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या के विमोचन का है। इस किताब पर सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS से की है। यही नहीं, किताब में उन्होंने हिंदुत्व को जिहादी संगठन बोको हरम जैसा बताया है। सलमान खुर्शीद की किताब के पेज नंबर 113 का चैप्टर है सैफरन स्काई, यानी भगवा आसमान। इसमें सलमान खुर्शीद लिखते हैं, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहता हूं, हिंदुत्व को अपमान ना करो। इस देश के आर्थिक हालात को देखते हुए जो नोटबंदी के बाद से आज तक जिस प्रकार से गरीबों के हालात बिगड़े हैं, महंगाई बढ़ती गई है, आज उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। केवल उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू मुसलमान और कब्रिस्तान शमशान, इसके अलावा दूसरा उनके पास विषय नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं। वहीं पार्टी का सीनियर ब्रिगेड हिंदुत्व पर हमले कर रहा है, बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला उठा रहा है। बीजेपी सवाल राहुल और सोनिया गांधी पर उठा रही है। Like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। तो क्या सलमान खुर्शीद ने जानबूझकर हिंदुत्व को लेकर अपनी किताब में ऐसी टिप्पणी की ताकि विवाद उठे? सुनिए क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो किसी पर प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उसे क्या बहस करनी। कंप्लेन कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही है, इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। सलमान खुर्शीद अयोध्या पर अपनी किताब को लेकर कानूनी दाव पेच में भी फंस गए हैं। दिल्ली के दो वकीलों ने उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जो ये इनकी अयोध्या पर किताब है इसको बैन करके पूरे बाजार से, सब जगह से जब्त किया जाए। मेरी मूल भावना है कि हिंदू मुसलमान एकता हो, राइट। ये शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छी नहीं लगी कि यहाँ एकता की बात क्यों हो रही है। हमने इतनी मशक्कत की है, मेहनत की है कि हम लोगों में बंटवारा करें, और ये यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि हमें एकता होनी चाहिए, हम एक साथ आ जाएं, लोग जुड़ जाएं, एक हो जाएं, यूनिटी हो, ये कैसे हो सकता है? लोगों को इस बात की शिकायत है। राइजिंग ओवर अयोध्या हिंदुत्व पर विवाद की वजह से चर्चा में तो आ गई, लेकिन ये चर्चा उनकी पार्टी को कितनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा शायद सलमान खुर्शीद को भी नहीं होगा। दिल्ली में सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।